होती। हेतु है जिससे तीनों प्रकाशित होते हैं, उसका नाम है राम। बहुत अच्छा। आइए बंधुओं, श्रुति चौपाई जो हम कहना चाहते थे ये तो उसकी हुई भूमिका। दूसरा, बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को, और विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो। अभी आप चर्चा करें तो स्वामी जी कि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, तीन कैसे, तीनों किससे बने, तीनों की शक्ति कहां से आई, हम आप ये कहां से आए, जहां से आए उसका नाम है राम। बहुत अच्छा। विधि हरि हर मैं और वेद प्राण सो, वेदों इस प्राण ना हो तो क्या हमारा आपका जीवन हो सकता है क्या। तो जहां से वेद बने, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिसके अंदर ये शक्ति आई कि ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालते हैं और शंकर उसका संहार करते हैं, लेकिन इसका मूल क्या है, कहां से ये आए। कहते हैं विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये है, यदि हमारी दृष्टि तीसरी दृष्टि खुलेगी। अच्छा ये बताओ, घड़े से मिट्टी से कितने घड़े बनते हैं, और सबके नाम और रूप अलग अलग होते हैं। हम यहां जितने बैठे हैं सब घड़े हैं, देखने में सुनने में व्यवहार में सब अलग अलग, लेकिन कोई एक ऐसा तत्व है इसमें जिसके तत्व से न तुम होगे न हम होंगे। करो घड़े हो और मिट्टी न हो तो बताओ क्या हो सकता है कुछ नहीं। ये है तीसरी दृष्टि, अर्थात वही ब्रह्म विष्णु है, वही ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक ही तत्व है जो विभिन्न रूपों में कार्य करता है। इसलिए उसका कहने का तात्पर्य है, और इसको आप गहराई समझो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप तक वहां हो सकता है न पहुंचो। यदि पहुंचोगे तो समझ जाओगे, नहीं पहुंचोगे तो समझ पाओगे। आइए और इसको हम सरल करते हैं। जिस समय आप स्वप्न देखते हो तो बोलो तुम ही हाथी बनते हो, तुम ही सड़क बनते हो, तुम ही आकाश बनते हो, तुम ही साधु बनते हो, और तुम ही औरत बनते हो, और तुम ही मरते हो, और तुम ही जीते हो। होता है कि सब नहीं होता, लेकिन खेल क्या है वो होता है। स्वप्न में जो कुछ भी होता है बिल्कुल सत्य होता है, जरा सा भी वहां डिगने की बात नहीं है कि आप रिंच भर कह सको कि गलत है। अच्छा बताओ, जब जाग जाते हो तब क्या पाते हो वहां, सब तुम ही तुम हो कुछ और हो। जो हाथी बना था कहां से बना था, हमारे द्वारा। बहुत अच्छे, एक ही तत्व तो था। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि क्या है, एक ही तत्व तो है। जैसे हम आप स्वप्न में सब कुछ होते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं होता, हम ही हम होते हैं। बहुत अच्छा। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड दिखाई हमको ये देता है भिन्न भिन्न, लेकिन होता इसमें वही है। जैसे जागने में हम होते हैं ऐसे ये सारा का सारा एक ब्रह्म का खेल होता है। बहुत अच्छा, बहुत। और प्रमाण देख लो, उमा कहूं मैं। देखिए मानस एक ऐसा ग्रंथ है और उसमें भगवान शंकर और पार्वती का जो पात्र है वो ऐसा है अटूट अटूट, एक बात भी आप यहां से वहां नहीं कर सकते। औरों की बात लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जहां भगवान शंकर ने कुछ कहा
तो समझो कि ये 100 नहीं बल्कि 101% है, क्योंकि भगवान शंकर ही इसके रचयिता है। क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजनो जगत सब सपना। हम कह पाते हैं, क्यों नहीं कह पाते, इसलिए कि मोहन सा एक रात में व्यक्ति सो रहा हो, उसको हाथी बनाओ तो क्या कहेगा कि ये मैं ही, सपना है। वो कब कहेगा, जब वो जाग जाए। हम आप सब सो रहे हैं इसलिए कह नहीं पा रहे, और शास्त्र हमारा, संत हमारा, गुरुदेव हमारा, वो जागा हुआ है। हमें आप इसलिए अभी बात आएगी, उठ जाग मुसाफिर, क्या मतलब है, उठो जाओ कहां इस दर में, तब जान पाओगे कि वास्तविकता क्या है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक हाथी का, सांप का जो काटना है वो सत्य ही सत्य है, कोई भी पॉइंट उसमें असत्य नहीं। इसी तरह से ये संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सत्य सा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, है बस वही जो इसका आधार है। आइए बंधु,